आज हम जिस अदाकारा की बात करने वाले हैं उस अदाकारा के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर्स में से एक, जिसका क्रेज सिर्फ आम इंसानों में नहीं बल्कि चंबल के डाकुओं में भी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 की मशहूर और हॉट अदाकारा जयश्री तलपड़े के बारे में, जो 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री थी, जिनकी अदाओं का जादू लोगों पर इस कदर चलता था कि लोग उनके डांस को देखने के लिए फिल्मों का टिकट कटाते थे। उन्होंने जो सफर बचपन में शुरू किया था उसे बहुत आगे लेकर गई। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में 100-200 नहीं बल्कि उससे भी अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको उनके जीवन के शुरुआती दौर में लेके चलते हैं और फिर उनके फिल्मी सफर और निजी जीवन से भी आपको रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जयश्री तलपड़े का जन्म साल 1953 में मुंबई में हुआ था, लेकिन सौभाग्य से उनका जन्म कलाकारों के परिवार में हुआ, जिसके चलते उन्हें फिल्मी दुनिया में आने के लिए अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वो जयश्री टी के रूप में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुई। खैर, उन्होंने मुंबई से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी उच्च शिक्षा के बारे में जिक्र नहीं किया। उनके माता पिता ने उन्हें और उनकी बड़ी बहन दोनों को कथक नृत्य कला का प्रशिक्षण दिलाया। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बता दें कि जब वो 5 साल की थी, तभी निर्देशक विजय भट्ट द्वारा उनकी फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्हें एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने का प्रस्ताव आया। मुख्य रूप से ये प्रस्ताव सबसे पहले उनके माता पिता के सामने रखा गया, जो इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो गए थे। तो इस तरह साल 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम किया। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, अमिता, आईएस जौहर और अनीता गुहा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म के गाने काफी प्रसिद्ध हुए थे, विशेष रूप से तेरे सुर और मेरे गीत, जीवन में पिया तेरा साथ रहे और दिल का खिलौना है टूट गया। इसके अलावा फिल्म ने पुरस्कार भी जीता और ओवरऑल फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की लोकप्रियता के चलते उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आगे कई और फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद साल 1970 से उन्होंने एक वयस्क एक्टर के रूप में फिल्मों में अपने आगे का सफर शुरू किया। साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो में वो नजर आईं। इस फिल्म को मोहन सहगल द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। बता दें कि एक प्रमुख जोड़ी के रूप में ये फिल्म अभिनेत्री रेखा और अभिनेता नवीन निश्चल की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसके अलावा फिल्मों में अपने नेगेटिव और सहायक रोल के लिए जाने जाने वाले अभिनेता रंजीत की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म के कुछ गाने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए थे। जयश्री टी इसमें डॉली के रूप में दिखाई दी और उन पर फिल्माया गया गाना आंखें मेरी मैखाना जबरदस्त हिट रहा। इसके साथ ही नरेंद्रनाथ, इफ्तखार, श्यामा और कृष्ण धवन जैसे कई अन्य कलाकारों ने फिल्म में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म ने जयश्री के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम किया और फिर साल 1971 में वो अपनी दूसरी फिल्म में नजर आई, जिसका शीर्षक था दोस्त और दुश्मन, जिसे निर्देशक चांद द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में एक बार फिर विनोद खन्ना और तबस्सुम के साथ रेखा दिखाई दी। जयश्री ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये फिल्म खास नहीं चल पाई और बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई ही कर पाई। जयश्री एक डांसर के रूप में फिल्मों में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए उन्हें उसी साल उनकी तीसरी फिल्म में एक बार फिर काम करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक था शर्मिली और इसे समीर गांगुली ने निर्देशित और सुबोध मुखर्जी ने निर्मित किया था। ये हिंदी भाषा की एक रोमांटिक फिल्म थी। मशहूर कलाकार के रूप में इसमें शशि कपूर और राखी नजर आए। इसमें राखी ने कंचन और कामिनी के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी। वहीं पर जयश्री एक डांसर और सिंगर के रूप में दिखाई थी। फिल्म में अच्छा खासा अभिनय किया गया, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल रही। हालांकि फिल्म को सुपरहिट नहीं बल्कि सेमी हिट फिल्म घोषित किया गया था। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म में अच्छे अभिनय के चलते उन्हें रीजनल भाषा की फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव आया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। इसलिए साल 1971 और 72 में वो मलयालम भाषा की फिल्मों में नजर आईं। उनकी पहली और दूसरी फिल्म के रूप में अन्नादा शिल्पंगल और निर्थसला फिल्म आई थी। 70 के दशक में उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे आपकी कसम, जुगनू, बिदाई, आफत, जय विजय और बेशरम, जिसमें बिदाई एक हिट फिल्म साबित हुई और इसने कई पुरस्कार भी जीते। इस समय तक वो दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी। अपने बोल्ड अदाकारी से उन्होंने दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। दोस्तों, जयश्री महज एक डांसर ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के लिए वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसका क्रेज उस समय के हर उम्र के व्यक्ति में था। उन्होंने उसके बाद कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे सुराग, घर द्वार, हम साथ साथ हैं, चलते चलते, मेरी बीवी का जवाब नहीं। मलयालम भाषा के अलावा उन्होंने भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है, जैसे गरकनाथ बाबा तोहे खिचड़ी चढ़ाई भो और दगाबाज बलमा।
फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी अभिनय किया है, जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं, ससुराल सिमर का, और ये उन दिनों की बात है। दोस्तों उन्होंने कुल मिलाकर करीब 500 फिल्मों में अभिनय किया है और ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। साल 2004 में आई फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं उनकी आखिरी हिंदी भाषा की फिल्म थी और साल 2010 में उनका आखिरी मलयालम भाषा की फिल्म अन्नारा कन्नानुनम थन्नालायथु थी। इसके बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। साल 1989 में उन्होंने एक फिल्म निर्देशक से शादी रचाई जिसका नाम है जयप्रकाश शॉ। वो एक जाने माने निर्देशक हैं। इसके अलावा वो 30 और 40 के दशक के मशहूर अभिनेता और निर्देशक मास्टर विनायक के बेटे हैं, जिनकी साल 1947 में मृत्यु हो गई थी। उनका वास्तविक नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था। इसके साथ ही जयप्रकाश शॉ मशहूर अभिनेत्री नंदा के भाई हैं, जिनकी साल 2014 में मृत्यु हो गई थी। जयश्री का एक बेटा है जिसका नाम स्वास्तिक जे कर्नाटकी है। हाल ही में उन्होंने सुश्रुति नाम की एक लड़की से शादी किया है, हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वहीं पर बात करें जयश्री के माता पिता की तो वो मराठी नाटकों में अभिनय किया करते थे जो अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय थे। जयश्री ने अपने माता पिता के नाम का जिक्र कभी नहीं किया। उनकी बहन का नाम मीना टी है जो उनकी बड़ी बहन है। बचपन में दोनों ने साथ में कथक सीखा था। हालांकि मीना टी अपनी बहन की तरह लोकप्रियता हासिल करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने भी कई फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय किया है। उनके भाई का नाम भूपेश तलपड़े हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म के मशहूर अभिनेता और निर्देशक श्रेयस तलपड़े उनके भतीजे और भूपेश तलपड़े के बेटे हैं। श्रेयस ने कई फिल्मों में अभिनय किया है और साल 2017 में आई फिल्म पोस्टर बॉय को उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। उनकी आने वाली फिल्म का नाम इमरजेंसी है। वहीं पर उनकी पत्नी का नाम दीप्ति तलपड़े है। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आद्या तलपड़े है। दोस्तों जयश्री ने अपनी काबिलियत के दम पर काफ़ी नाम कमाया है, हालांकि अब वो फिल्मों में नज़र नहीं आती हैं। शायद इसकी वजह उनकी उम्र हो सकती है, क्योंकि वो 70 साल की हो गई हैं और मुंबई में ही रहती हैं। फिलहाल वो अभी फिल्मों से दूर हैं और अपनी गृहस्थी संभाल रही हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।